रमेश त्रिपाठी और सैल्यूट तिरंगा ने कोरोना योद्धाओं को बांटा मास्क, सैनिटाइजर, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों को मदद। कोरोना को हराने के लिए नवीनबई एजुकेशन ट्रस्ट और सैल्यूट तिरंगा संस्था ने मदद का अभियान शुरू किया है। सैल्यूट तिरंगा के लीगल सेल के नेशनल प्रेसिडेंट एडवोकेट रमेश त्रिपाठी और उनकी टीम ने आज सानपाड़ा में कोरोना योद्धा बने महानगर पालिका के सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और सानपाड़ा पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीमीटर का वितरण किया। एडवोकेट रमेश त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सैल्यूट तिरंगा और नवीनबई एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से मास्क और सैनिटाइजर बांटकर हम मदद का अभियान चला रहे हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके। सेवा और कर्तव्य के प्रतिरूप विश्व के सबसे सफल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे भारत में सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है और उनके इस कर्तव्य परायणता को देख करके हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हमारे एरिया में जो NMMC के सफाई कर्मचारी हैं, जो वॉचमैन बिल्डिंग्स में काम करते हैं और जो हमारा स्थानीय पुलिस स्टेशन है लोगों की सेवा के लिए लगा रहता है, हम लोगों ने वहाँ पर मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीजन मशीन आज डिस्ट्रीब्यूट करके एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश किया और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति हम लोगों ने अपने कर्तव्य को करने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे कोरोना के समय में तो सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी पूरे देश में या हमारे नई मुंबई में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में सफाई का पूरा एक का काम चालू रखा, जिसके कारण कोरोना को रोकने में एक अहम भूमिका मिली। इसी से इंस्पायर होकर के हम लोगों ने हमारी एरिया में जो NMMC के लगभग 35-40 सफाई कर्मी हैं उनको, बहुत सारी बिल्डिंग के वॉचमैन को और वहाँ पे जो हाउसकीपिंग का काम करते हैं उनको और आज हमारे सानपाड़ा पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस कर्मचारियों को यह एक छोटा सा हमारी तरफ से सहयोग दे करके अपने आप को गौरवान्वित करने का एक माध्यम निकाला है। और मेरा आह्वान है कि इस तरह जो गरीब लोग हैं जो स्वयं अपना मास्क नहीं खरीद सकते हैं, सारे लोग ऐसे लोगों को कम से कम मास्क दे करके और उनको कोरोना से बचने में मुक्ति करें। जो आज सेवा सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम किया गया, इसमें नई मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट और सैल्यूट तिरंगा की तरफ से आयोजन किया गया है, जिसमें सैल्यूट तिरंगा की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर वंदना त्रिपाठी जी और हमारे BJP के सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके ये कार्यक्रम नई मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट, सैल्यूट तिरंगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल करके किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारी विनीत गुप्ता, वंदना त्रिपाठी और सीनियर पदाधिकारी पत्की ने आम नागरिकों को भी मास्क बांटा और उन्हें COVID-19 के बारे में जागरूक किया। पदाधिकारियों ने एडवोकेट रमेश त्रिपाठी के जनसेवा और कोरोना जागरूकता अभियान की भी सराहना की। रमेश जी का नेचर ऐसा है कि हर दुख दर्द में हर आदमी के लिए 24 आवर्स इनका तैयार रहता है। पेशे से एडवोकेट हैं मगर ये पेशे से एक बहुत अच्छे जिंदा दिल इंसान है। मोदी जी के अवसर पे इन्होंने जो है 10,000 मास्क, 5,000 सैनिटाइज़र का बोतल और उसके अलावा 500 जो है ऑक्सीजन की मशीन अपने खर्चे से किया है। इससे पहले मैं बता दूं, जब भी कोरोना आया था तभी हर दिन 2,000 आदमी का खाने का व्यवस्था इनका और इनके भाई अंकित त्रिपाठी की तरफ से 60 दिन तक लगातार चलता रहा, जिसमें कि मैं खुद साक्षी हूँ कि ये रात दिन सुबह 6 बजे आते थे और शाम को 9 बजे जाते थे। कभी कभी तो मतलब इतना तकलीफ़ होता था इनको देख के कि भाई कोरोना में कुछ अपना ध्यान रखो। ईश्वर की इन पे कृपा है, लीगल, क्रिमिनल, सिविल कोई भी मैटर गरीब अगर बिना उसके भी आता है इनके पास फीस लेके तो ये उसका काम करके देते हैं।
और ये जो मैडम लोग हैं जो साथ में आई हैं, इनके ये इनकी बहनें हैं, इनके परिवार में कभी भी कोई दुख दर्द है या मुराद सोसाइटी के आसपास, मतलब मैं बोलूँगा बीजेपी को एक बहुत अच्छा स्तंभ नवी मुंबई में मिला हुआ है, और इनको अगर ये नेशनल में या कहीं जाते हैं दिल्ली, तो हम बीजेपी से एक अच्छा नेता खोएंगे ज़रूर, मगर बीजेपी नवी मुंबई को एक स्तंभ मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे रमेश भाई दिल्ली जाके आप पूरे देश की सेवा करें, क्योंकि नवी मुंबई तो इनके लिए हृदय से कृतज्ञ है। आज मैं और सैल्यूट तिरंगा के जो लीगल नेशनल प्रेसिडेंट श्री रमेश त्रिपाठी जी हैं, आज हम दोनों ने मिलकर विश्व गुरु आदरणीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे NMMC के जितने सफाई कर्मी हैं उनको और पुलिस चौकी के जितने पुलिस कार्य संरक्षक जो हमारे हैं पुलिस कर्मी हैं सब लोगों को तकरीबन हम लोग 200-300 मास्क वितरण किए हैं, क्योंकि सैल्यूट तिरंगा आज उसी प्लेटफॉर्म पे कार्य करता है, एक राष्ट्रवादी संगठन है और हम लोग पुलिसों के सम्मान के लिए कार्य करते हैं। तो हमारा ये मुहिम था कि मैं और त्रिपाठी जी आज पुलिस चौकी में आके सारे पुलिस कर्मियों को मास्क वितरण करें, और ये निरंतर शुरू से भी रमेश त्रिपाठी जी के साथ मैं भी काफ़ी दिनों से जुड़ी हूँ और ये निरंतर ये कार्य करते आ रहे हैं, भगवान उनको और ऊर्जा शक्ति दें और हम लोग निरंतर सैल्यूट तिरंगा के प्लेटफॉर्म पर ये कार्य करते रहें। आज का काम जो है बहुत अच्छा हो गया है, गोर गरीबों को मास्क बांटा गया, पुलिस कर्मियों को बांटा गया, और इसके लिए रमेश जी और वंदना जी बहुत मेहनत किया, तो मैं उनको आभार मैं व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही वो काम करते रहे ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।